ओ गाइस आसिफ भाई आ चुके हैं बैटिंग पे, तो शायद ये कोई चौका छक्का दिखा दे हमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं अभी भी सो के उठा हूँ, तो फ्रेश फ्रुश हो गया हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ बाहर चने और पराठे लेने। तो आज भी धूप बहुत तेज़ है, ये देखो। और ये मेरे साथ जा रहे हैं दोनों, तो मैं जा रहा हूँ, आके आपसे मिलता हूँ। फटाफट से जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, शायद मिले ना मिले। तो फटाफट से चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस हम आ चुके हैं अयान, चने और पराठे ले रहे हैं। फाइनली होटल खुला हुआ है, पर धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़। ये देखो बहुत तेज़ धूप है, तो फटाफट से लेते हैं और घर पे चलते हैं क्योंकि आँखों में लग रही है धूप। तो फटाफट लेते हैं फिर घर चलते हैं। गाइस वहाँ पे हमें परांठे नहीं मिले थे, वहाँ पे हमें सिर्फ चने मिले थे, तो हम यहाँ पे आए हैं परांठे लेने। अयान वो लाइन में खड़ा हुआ है, तो बस फटाफट से लेते हैं फिर चलते हैं। गाइस हम सामान लेके आ चुके हैं, तो फटाफट से गाड़ी करते हैं बंद, तो बस चलते हैं अंदर, खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस नाश्ता कर लिया है, तो मैं जा रहा हूँ दोबारा बाहर क्योंकि आज गर्मी बहुत है, बाहर के चक्कर भी बहुत लग रहे हैं। मेरा हो गया पैकेज ख़त्म, तो वो भी करवाना है मेरे जहन में, तब तो आया नहीं, अब मुझे याद आया है क्योंकि रात को पैकेज ख़त्म हो गया था। वो करवाने जा रहा हूँ मैं जोशू के साथ। तो पानी की बोतलें भी लानी क्योंकि फ़िल्टर का पानी लाना है, वो ख़त्म हो गया। तो बस चलते हैं फटाफट से, बाकी देखते हैं क्या सीन है आगे। बाकी धूप बहुत है बाहर, तो बस। तो फाइनली गाइस, तो मैंने टोपी पहन ली है, बाहर गर्मी बहुत थी, कैप पहन ली है मैंने। तो बस फटाफट से चलते हैं, शीशा कितना गंदा है यार, ये भी साफ़ होगा, बस चलते हैं। फाइनली गाइस मैं पैकेज करा के आ चुका हूँ, तो बाहर बहुत गर्मी थी इसलिए मैंने बाहर कुछ शूट वूट भी नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत थी, मैंने भी फटाफट आना जाना किया। और दूसरी बात, मेरे को एक काम भी याद आ गया था, तो काम भी ज़रूरी था, तो इसलिए वो काम भी मैं करता हुआ आया हूँ। तो बस अभी मैं पहुँचा हूँ, तो मैंने मुँह हाथ धोया क्योंकि पसीनों पसीन हो गया था, बाहर गर्मी इतनी थी। तो अभी मैंने मुँह हाथ धोया, तो मैं जस्ट व्लॉग भी कर लूँ क्योंकि व्लॉग तो मैंने कुछ किया ही नहीं बाहर। तो बस अभी मैं आया हूँ, आगे देखते हैं क्या सीन है। तो भाई इसमें बाहर से आया, तो गर्मी बहुत थी, तो मेरा होता सर दर्द, तो हमने बनाई है चाय, ये रही चाय, ये रहा मेरा कैफे बिस्किट, और मेरा भी, और ये ओशो की भी चाय, और ये ओशो। तो फटाफट से पीते हैं चाय क्योंकि गर्मी जितनी मर्जी हम चाय नहीं छोड़ते, तो चाय पीते हैं फटाफट क्योंकि सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा। तो पहले चाय पीते हैं, बाद में कोई और काम करेंगे। हाँ, पहले चाय। हाँ, है ना भाई। हाँ, वो गाइस चाय पीते हैं फिर आपको बताते हैं कैसी बनी है। मज़ेदार मज़ेदार है ना ओशो, कैसी है? मज़ेदार है चाय भाई, चाय मज़ेदार है, पीते हैं फटाफट से फिर मिलते हैं। फाइनली गाइस चाय हमने पी चुके हैं, चाय वीआईपी बनी थी, तो आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका फाइनल भी है, तो वो भी देखना है। और बाहर खेल रहे हैं क्रिकेट, तो वो भी मैं खेलने जा रहा हूँ क्योंकि सोच रहा हूँ क्रिकेट खेल लूँ क्योंकि बोर ही होना है, अभी मैच स्टार्ट होने में भी बड़ा टाइम है। तो थोड़ी देर इनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा, हम मैच देखेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे। तो बस अभी तो मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, आके मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैच खेल चुके हम, और मैच स्टार्ट भी होने वाला है, 7 बज गए हैं, और एक काम ख़राब भी हो चुका है, लाइट चली गई है, तो मुझे मैं फ़ोन पर देखना पड़ेगा। तो मैं अब तो स्टार्ट होने वाला है, तो फ़ोन पे देखूंगा मैं, तो व्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोन पे मैच देखना पड़ेगा मुझे। तो लाइट आ गई, तो लाइट आ गई अगर तो फिर टीवी पे देख लूँगा, अगर नहीं आई तो फिर फ़ोन पे देखना पड़ेगा, देख के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। लाइट आ चुकी है, तो मैं तो फ़ोन पे मैच देख रहा था, लाइट आई है तो टीवी पे देख रहे हैं। बाकी हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं मैच के, अभी तो देख ही रहा हूँ मैं बस, क्या लगता है आप कमेंट में बताएं कौन जीतेगा। बस मैच देख रहा हूँ मैं,
हालात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं अभी, फटाफट देख के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी तो एक्साइटमेंट बहुत है, देखते हैं कौन जीतता है। बाकी तो गाइस हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, रिजवान भी आउट हो चुका है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। बाकी बहुत मुश्किल लग रहा है कि हम जीते, फिर भी कुछ नहीं कह सकते, एंड टाइम पे भी कुछ भी हो सकता है। तो बस देख ही रहे हम भी फटाफट, बस दुआ ही करो कि जीत जाए, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई क्या मैं बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कुछ नहीं, एंड टाइम पे भी जीत सकते हम। बाकी ये देखो यान भी बैठा हुआ है भाई मैच के लिए। बाकी लाइट ने हमें बहुत खवार किया, तो बस अब मैच देखते हैं, क्या पता जीत भी सकते हैं नहीं भी जीत सकते, बस आप दुआ करो कि हम जीत जाए। ओ गाइस आसिफ भाई आ चुके हैं बैटिंग पे, तो शायद ये कोई चौका छक्का दिखा दे हमें। और ये लो, ये भी आउट, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे भाई क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, देख ही रहे अब तो मैच, पर अच्छा नहीं हुआ। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। गाइस कोई इलाज नज़र नहीं आ रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत हालात ख़राब चल रहे हैं आज, पर कोई नहीं यार, कोई नहीं, इंडिया को आया, बाकी हमारे लिए इतना ही बोल रहे, बाद में देखेंगे जो होगा। पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि जीते, बहुत मुश्किल है, ये देखें बहुत मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। अभी नसीम शाह भी है पीछे बैठे हुए, क्या कर लेंगे, नसीम शाह भी आके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बोले बहुत कम है, 14 बोलों पे मेरे ख्याल से 53 रन चाहिए, मुश्किल है, देखते हैं आगे। फिर भी हार तो गए, फिर भी देखने में क्या जा रहा है, मैच तो पूरा देखेंगे। और ये लो भाई विकेट भी हो गई, विकेट भी हो गई, रीप्ले रीप्ले रीप्ले, बस देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो गाइस हम हार चुके हैं, बाकी कोई बात नहीं, जितना भी खेला अच्छा खेला, मज़ा आया, लव यू हो गया, बाकी VIP खेला, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कोई मसला नहीं है, बाकी गुड हो गया, मज़ा आया मैच देख के, VIP मैच था, गुड हो गया यार, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, बस बाकी जितना भी था मज़ा आ गया खेल को VIP। इसी के साथ इस लोग को करता हूँ मैं एंड, उम्मीद है आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का दिन बस इतना ही था, जितना मैं आपको दिखा सका मैंने आपको दिखाया, बस उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आया ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूँगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।